100 रुपए से ऊपर होगी दाल। 100 रुपए से ऊपर है? हाँ नहीं, अरहर की दाल है, अरहर की दाल 100 रुपए के ऊपर है। कोई भी दाल ऐसी है जिसका प्राइस 100 रुपए हो? नहीं है, नहीं है, कोई दाल नहीं है। क्या कोई भी दाल 100 रुपए के अंदर मिल रही है? नहीं। तो मुफ्त राशन से तो खुश होना चाहिए ना? हाँ तो खुश है, बस ये तो राशन नहीं है, दाल चावल ये सब खाली है, हम गेहूँ चावल खाएंगे। ये तो कह रहे महंगाई खत्म कर दी है दाले वाले। खुश नहीं, खत्म हुई है मैडम। 160 रुपए किलो, 170 रुपए किलो दाल चल रही है। गैस सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का है? बहुत मार दी। और किया बेटा, सभी लोग परेशान है। कौन सच बताओ, क्या है परेशानी? नहीं है। योगी जी के मंत्री, तो यूपी के मंत्री बोल रहे हैं कि भाई 100 रुपए तक की दाल है, 100 रुपए से ऊपर कोई। 170 रुपए किलो दाल है, 170 रुपए किलो अरहर की दाल है। आप भी खरीदने आई हैं, आप कैसे देख रही हैं दालों के बढ़ते? बहुत ज्यादा रेट है दालों का। पहले तो 500 में पूरी घर की सामान ले लो, अब तो 500 क्या, 500 में एक दाल भी नहीं आती है। सब कुछ तो बिक गया है, सरकार ने क्या नहीं बेच दिया, खाली है 5 किलो गेहूँ चावल दे के सब कुछ महंगा कर दिया। ये तुम कह रहे बंद कर दो, मत दो किसी को, मत दो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। यूपी में योगी के मंत्री का बयान आया सूर्य प्रताप शाही का, जिन्होंने कहा है कोई भी दाल 100 रुपए से ऊपर नहीं है। तो हम मार्केट में हैं और ये दालों की दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दालें खरीद रहे हैं। उनका ये बयान आते ही लोग इस पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि कोई भी दाल ऐसी नहीं है जो 100 रुपए से नीचे हो। मैडम आप क्या लेने आई हैं यहाँ पर? हम यहाँ राशन लेने हैं। राशन लेने आई हैं? क्या कोई भी दाल का प्राइस 100 रुपए से ऊपर नहीं है? नहीं है, है दाल 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर का है। और यहाँ पर लोग हैं, क्या कोई भी दाल 100 रुपए से नीचे या 100 रुपए? 100 रुपए से ऊपर होगी दाल। 100 रुपए से ऊपर है? हाँ नहीं, अरहर की दाल है, अरहर की दाल 100 रुपए के ऊपर है, और मलका है, मसूर है, ये सब कम में है। 180, नहीं नहीं, मलका वाली और मसूर वाली 160, 150 ऐसे ऐसे होगी। तेज है भाव, तेज है, भाव तेज है। हाँ कोई भी दाल ऐसी है जिसका प्राइस 100 रुपए हो? नहीं है, नहीं है, कोई दाल नहीं है। जी नहीं, जब से आए हैं तब से ये सब जो है मोदी योगी है। हाँ जब से तब से ये मामला तेज हो गया। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि 2014 में जब देश गर्त में था, अब 2014 के बाद ही देश के हालात अच्छे हुए हैं? नहीं 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 हुए, सब गलत है, सब गलत, सब गलत है, सब गलत। वो तो मोदी जी विदेश में जाके भाषण दे रहे हैं, वो विदेश में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये बीजेपी है ना, बात पड़ रही है तो यही बात पड़ ली ना। और महिलाओं से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? उर्मिला सोनकर। क्या कोई भी दाल 100 रुपए के अंदर मिल रही है? नहीं नहीं। आई बोलिए इस पे आप, इस पे। हाँ तो सस्ता करे राशन, राशन गरीब सस्ता करे। जी हाँ, तो कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार ने महंगाई तो कम कर दी है भाई। जी कहाँ बन, सोना भी इतना महंगा चल रहा है, कहाँ से सस्ता हुआ, कहीं नहीं सस्ता। और ये जो मुफ्त राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ तो राशन तो मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ राशन मिल रहा है, तो मुफ्त राशन से तो खुश होना चाहिए ना। हाँ तो खुश है, बस ये तो राशन नहीं है, दाल चावल ये सब खाली है, हम गेहूँ चावल खाएंगे। ये बताइए, तेल में है महंगाई, है तो बहुत महंगाई, अब क्या करें, महंगाई बढ़ रही है। हाँ महंगाई बढ़ रही है, तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी। कम कहीं नहीं हुआ, कम कहीं नहीं हुआ। ये मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के योगी जी के मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपए का जो जो भी दाल है वो सब 100 रुपए के अंदर है, 100 रुपए तक की उससे ऊपर दाम नहीं है। नहीं है, है क्यों नहीं है? हाँ 150 रुपए किलो उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, तो ऊपरी तो हुई। अच्छा आम जनता क्या सोच रही है महंगाई को लेकर, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महंगाई कम कर दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी है। बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई है, अभी कहीं तो खत्म ही नहीं हुई है, महंगाई बढ़ ही रही है, घटी थोड़ी रही है। हाँ तो कह रहे हमने रोजगार दिया है, कहाँ रोजगार दिया है, किसको मिला आज तक, किसी को नहीं मिला अभी तो फिलहाल। हाँ 15 लाख खाते में कह रहे आए, नहीं आए, नहीं बिल्कुल नहीं आए, किसके खाते में आए, यहाँ तो किसी खाते में नहीं आए। तो आम जनता त्रस्त है बहुत, यस महंगाई से। जी सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप लोगों की? महंगाई कम की जाए, और लोगों से बात करेंगे। चाचा आप मंदिर जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं फूल लेके घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं? हाँ
बताएं दालों के बारे में क्या कहेंगे, दालें महंगी महंगी हैं या नहीं? देखिए दाल या कोई भी चीज है बढ़ती भी है और घटती भी है। अच्छा अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी दाल 100 रुपए से ऊपर है या नहीं है? है भी और समय के अनुसार माइनस भी होगा। आप बताइए। जी हाँ महंगी है दाल। महंगी है दाल जी। ये तो कह रहे महंगाई खत्म कर दी है दाले वाले। कुछ नहीं खत्म हुई है मैडम, 160 रुपए किलो 170 रुपए किलो दाल चल रही है। गैस सिलेंडर पहले कितने का था अब कितने का है? पहले 400 साढ़े 400 का मिलता था, अब 850 का मिलता है। जी तो महंगाई है। विदेश जाके कह रहे हैं कि 2014 से पहले देश गर्त में था, अब देश विकास उन्नति की तरफ जा रहा है। उन्नति की तरफ तो जा रहा है मगर महंगाई कितनी बढ़ रही, गरीब आदमी तो ऐसे ही मरा जा रहा है। अब रिचार्ज में देखिए महंगाई कर दिया कि नहीं कर दिया, पहले कम में होता था 240 में, अब 300 रुपए में हो रहा रिचार्ज। मतलब आप लोग रिचार्ज बड़ा मतलब सब चीज के लिए मतलब बता रहे हैं। अब दालें महंगी हैं, कब 70-80 रुपए किलो दाल मिलती थी, अब 170 रुपए 160 रुपए किलो दालें मिल रही, महंगाई कितना ऊपर जा रहा है। महंगाई ऊपर जा रहा है जी। 170 रुपए में, 170 में है जी, 180-170। आपसे पूछेंगे क्योंकि आप तो बेच रही है मैडम। बहुत महंगा हो गया, सब सामान बच्चा महंगा हो गया, क्या किया जाए, कैसे बजट चलेगा, हर चीज कुछ नहीं। बहुत महंगाई कर दी भैया, ये तो इलेक्शन के बाद कितना महंगा कर दिया बताइए, क्या होगा। महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार बहुत मार दी और किया बेटा, सभी लोग परेशान है। कौन सच बताओ क्या है, परेशानी नहीं है जी चाचा? चावल 10-10 रुपए किलो तेज हो गए। हाँ योगी जी के मंत्री तो यूपी के मंत्री बोल रहे हैं कि भाई 100 रुपए तक की दाल है, 100 रुपए से ऊपर कोई दाल। 170 रुपए किलो दाल है, 170 रुपए किलो अरहर की दाल है। तो आप लोगों को तो बेनिफिट होता होगा, आप तो बेच रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं है, क्या बेनिफिट है, और क्या दे? आप भी खरीदने आई हैं, आप कैसे देख रही हैं दालों के बढ़ते? बहुत ज़्यादा रेट है दालों का, पहले तो 500 में पूरी घर की सामान ले लो, अब तो 500 क्या, 500 में एक दाल भी नहीं आती है। इससे कितना बजट आपका बिगड़ रहा है, कैसे चल रहा है? बजट बिगड़ रहा है, आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल है, अभी तक बच्चों का एडमिशन तक नहीं हो पा रहा, ये हाल है। खुशहाली अच्छे दिन की बात करते हैं। अरे पता कितनी अच्छी खुशहाली की दिन है, कोई अच्छे दिन नहीं है जी सर। मोदी बेकार है, आपको डर नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं डर रहा, काहे किस बात का डर है भाई। बच्चों का जो है देखिए आप बच्चों की फीस है कितनी हो गई। हाँ उनको डॉक्टरों को देखिए एकदम से जो है लूट रहे हैं। पेपर लीक मामले पे जो आप देख रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? क्या चीज पेपर लीक? हाँ हाँ मैडम, कांस्टेबल पुलिस का पेपर था, कितनी लोग बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, वो भी लीक हो गया। फिर अभी दिया था 29 की डेट, फिर भी पेपर नहीं हुआ। हाँ हो रहा पेपर, सब बेकार हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। अच्छा आपको क्यों लगता है जीवन बेकार हो रहा है? ये तो कह रहे हैं खुशहाली कोई भी बेटा क्या है, हर चीज़ तो महंगा हो गया है, क्या सस्ता है बताओ। इंसान खाली सस्ता है बस, और क्या, वही को बेच रहे हैं, सब कुछ तो बिक गया है। सरकार ने क्या नहीं बेच दिया, खाली 5 किलो गेहूं चावल दे के सब कुछ महंगा कर दिया। यह तुम कह रहे बंद कर दो, मत दो किसी को, मत दो, सही बात है, गेहूं चावल मत दे, अनाज इतना महंगा 10 रुपए किलो बढ़ा है चावल। मैडम मोदी जी तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के हम राम को लाए। अरे राम का भाव, तो भगवान थे वो तो आ ही गए, मोदी क्या ले आए हैं, वो तो भगवान थे, वो तो अपना भी तो भगवान है, और क्या भाई, मोदी भी तो भगवान ही है, मोदी जी भगवान है, और क्या है बताइए। वो सबको खिला रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो आटा गेहूं दे रहे हैं। आप मानती हैं कि अवतार है वो भगवान? नहीं कोई नहीं उतारे, अवतार भगवान है ये, वो कहाँ से अवतार हो जाएंगे, प्रभु को याद करो, प्रभु है। मोदी जी तो कह रहे हैं 2014 से पहले गर्त में देश था, कुछ नहीं कोई नहीं था, कुछ नहीं सब गलत है, हम लोग देखते आ रहे हैं, मोदी बाद में आए। क्या 2014 से पहले गर्त में देश था सर? नहीं बेटा जो है बिल्कुल बेकार हो गया, अब बेकार हो गया 2014 के बाद। मोदी जी कह रहे हैं देश गर्त में है था 2014 से पहले, 2014 के बाद विकासशील हो रहा है देश, विकास हो रहा है। महंगाई तो होगी, कुछ महंगाई हो रही है, हर चीज में महंगाई है, हर चीज महंगाई। दालें 100 रुपए से ऊपर है या 100 रुपए से नीचे है? 170 170 जी, 1 किलो दाल लेने आएंगे तो 170 की मिलेगी, 170
अंतर देना पड़ेगा जी। हर दाल महंगी है कुछ हर कोई दाल सस्ती है महंगी है। तो लगातार योगी के मंत्री का जो ये बयान है दालों को लेकर के 100 रुपए से ऊपर किसी दाल का दाम नहीं। आपने देखा जमीनी हकीकत क्या है, लोगों से भी बातचीत हमने की, जो दाल बेच रहे हैं उनसे भी बात की और दालों के प्राइस एकदम साफ कह रहे हैं कि मंत्री जी कितना छूट बोल रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।